ये देखो यहाँ बन रहे आलू के। बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आप लोगों की दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये हस्बैंड जी क्या कर रहे, तो हस्बैंड जी फिर से बना रहे मेरे लिए गर्मा गर्म कुछ स्नैक्स। तो आज हो रही थी बहुत बहुत ज़्यादा बारिश, तो बारिश के मौसम में मेरा और मेरे पति देव का बहुत ज़्यादा मन करता है कि हम गर्म गर्म पकौड़े विद चाय खाए। तो उसी के लिए यहाँ पे हस्बैंड जी कर रहे तैयारी। तैयारी वगैरह तो हो चुका था, दोपहर का बना था पराठा तो उससे बच गई थी कुछ। अब देखते हैं हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं पूरी डिटेल्स में। नॉन स्टिकी वाला कौन सा? नॉन स्टिकी वाले में बना रहा हूँ। पता नहीं कैसे बनेंगे। ऐसे नहीं करना है, खाली उठाना है दबा के डाल देना। मुझे जैसे आता छोटा छोटा बड़ा बड़ा मैं बना रहा हूँ। गाइस, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है और इतना ज्यादा ठंड का मौसम है कि मैंने तीन तीन कपड़े और दो दो स्वेटर पहने, आप लोग देख रहे। और जहाँ पे बारिश हो और हम पकोड़े ना खाए ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है और दोपहर को मम्मी ने बनाया था पराठा, तो पराठे का आलू रह गया था। तो हैप्पी ने बोला कि चलो मैं तुम्हें आलू का पकौड़े खिलाता हूँ। तो अभी देखिए पति देव बना रहे मेरे लिए पकौड़े। तो ऊपर वाला हर किसी को ऐसा पति दे। ये क्या साउंड हो रहा है बोलू? पानी गिर गया। तुम्हें बहुत पसंद है ना पकोड़े? ये देखो यहाँ बन रहे आलू के पकोड़े। तेल कम डाल दिया। नॉन स्टिक पैन में तेल कम चलता है। यहाँ बन रहे हैं पकोड़े। बाहर दिखा दे बारिश का। अर्शु को देखते हैं, अर्शु क्या कर रहा है? क्या कर रहा बेटा? हाँ क्या कर रहा है? दादी मम्मा के साथ क्या कर रहा है? हेलो बोलो। क्या दिखाओ? ओ आटा क्या कर रहे हो? आटा के साथ खेल रहा है बदमाश। रोटी खा लिया मम्मी इसने? आधी और नहीं खा रहा है। ओ देखो देखो, ओए सोफा गंदा होगा पागल। ओए किसमें कर रहा? अच्छा क्या कर रहा बेटा? क्या कर ले हो? बोल दे हेलो गाइस। बोलो बोल दे। तो गाइस ये हैप्पी ने बनाया आलू के पकोड़े। ये देखिए क्या लाजवाब पकोड़े। खाएगा बेटा? ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा देखने में। मुझे तो अभी से खाने का बहुत मन कर रहा। मैं ये कभी टेस्ट करने जा रही हूँ, बाकी जो है चाय के साथ खाएंगे हम। बहुत ही मजा आने वाला है अर्श के लिए ना। बेटा गरम है, गरम अर्शु। मम्मी एक आलू काटो। गरम है, गरम है। थोड़ा सा मैदा, ये बेसन बच गया है। कहाँ पे बच गया? गाइस मैं एक पकोड़े लेके आई हूँ और टेस्ट कर रही हूँ। मैं पकोड़े मैं पकोड़े खाना है। बहुत ही यम्मी है। आप लोग भी आ जाओ। खाना है? मैं उसको इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि इसमें मिर्च है। मिर्च वाला खाएगा तो बहुत चिल्लाएगा। बेटा तुम्हारे लिए वहाँ पे बन रहा है बिना मिर्च वाला, ठीक है? इसमें मिर्च है, तीखी लगेगी। खाओगे मिर्च वाला? खाओगे? अभी थोड़ा सा रुक जाओ। आलू वाला इसके लिए सेपरेट बना रहा है पी और मम्मी दोनों मिलके, क्योंकि ये इसमें मिर्च है। अगर मिर्च वाला खाएगा तो बहुत ज़्यादा रोएगा, तो इसलिए मैं उसको दे नहीं रही। मैं खुद ही टेस्ट कर रही हूँ। सच में बहुत यम्मी बना है, बहुत टेस्टी। आप लुक भी देख रहे हो कितना अच्छा कलर आया है इसमें। बहुत अच्छा लग रहा यहाँ पे। आलू पकौड़े भी बन गए, लंबे लंबे आलू के पकौड़े बन गए। बाकी ये बन रहा है।
लंबे लंबे से पकोड़े। बढ़िया लग रहा देखने में एकदम। ये बनता बहुत क्रंची क्रंची और अर्श बहुत खुश होके खाता है ये, है ना? मजा आ रहा है पकोड़े। तुम्हें कौन सा पकोड़े पसंद है गोलू? आलू के। इधर तो देखो शर्मू, शर्मिला पति मेरा। इतना कब तक शर्माओगे सैया जी? देखो तो सही, देखो देखो देखो, हंस दिया हंस दिया हंस दिया हंस दिया। नहीं देखोगे? इतना क्यों शर्माते हो यार? अब तो शर्माना छोड़ दो, शादी को 6 साल हो गए, अभी भी ये देखो कितना शर्मा। ये बन गए पकोड़े, ये लास्ट है ना अपना। किचन का पूरा कचुम्बर निकला हुआ, किचन सारे साफ करने, हमें दोपहर को खाना बना के हमने सफाई नहीं की थी। सो गाइस पकोड़े हो गए हैं रेडी और अभी चाय बन रही है, मम्मी चाय बना रही है। लेकिन अर्श को भी पकोड़े बहुत ही पसंद आया, तो चाय आने से पहले आधे पकोड़े खत्म हो चुके ऑलरेडी। अभी लगता है चाय आते आते ये भी खत्म हो जाएगा। मम्मी के लिए निकाल के रखे हो? नहीं रखे हो? नहीं। अर्श हमें बिल्कुल छूने नहीं दे रहा पकोड़े। मैं खा लो बेटा, पानी पानी पीना है। मैं खोल दूँ, खोल दिया पानी। सच में गाइस बहुत ही यम्मी बना, बहुत ही टेस्टी बना है ये। अभी चाय का इंतजार कर रहे, जब चाय आ जाएगी तो चाय के साथ और खाएंगे पकोड़े। आप लोग भी आ जाओ और कमेंट में जरूर बताना कि बारिश में चाय और पकोड़े किसको खाना पसंद है। तो गाइस जा रहे हैं अभी हम चाय और पकोड़े खाने के लिए, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।